to you. हेलो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसी है अपनी प्यारे लाल फैमिली। और भाई आज निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है सुबह 6:51। एक्चुअली जो लास्ट टाइम मतलब अपनी गलतियां सुधारने, पहली चीज तो ये कि लास्ट टाइम जो व्लॉग बनाया था उसका डेटा उड़ गया था। बट जो होता है ना लाइक ठीक, मतलब किस्मत अच्छी हो ना तो वो गलत चीज़ भी ठीक हो जाती है। तो लास्ट टाइम का जो व्लॉग था कि अपना पे आउट ऑफ मतलब जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया कहीं, वो व्लॉग बनाया था, बट आईफोन रीसेट करने के चक्कर में सारा डेटा उड़ गया था। मैंने लास्ट व्लॉग में डाला भी था ये चीज़। बट आज उस दिन फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो आज फ्लाइट है तो आज वापस जा रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है 6:51 और भाई अभी निकल चुके हैं घर से उनको लेने। तो पहले हम लोग जाते हैं उनको लेने वहाँ पे और फिर आगे का व्लॉग करते हैं यहीं से शुरू। तो मतलब एक और मौका है, बट अब मैं डेटा से बिल्कुल भी मजाक नहीं करूँगा यार, मैं डेटा को बिल्कुल लाइटली नहीं ले जाता, तो इसलिए वापस जा रहा हूँ। मौका मिल गया एक और व्लॉग बनाने को, चलते हैं सुबह सुबह। भाई सुबह की आँखें देख रही हूँ कैसी लाल हो रही है, बट कोई नहीं यार, तुम लोग के लिए मैं उठ भी सकता हूँ रोज़। तो अभी उठ के चलते हैं वहाँ पे। और आज का दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी होने वाला है, बट कोई नहीं, तो आज के दिन को करते हैं शुरू। कर दो, नींद आ रही है बहुत जोर से, तो मेरी हालत देख ही सकते हो, बट क्या करे यार, मतलब कुछ नहीं कर सकते भाई, बहुत गंदी नींद आ रही है यार। बट यहाँ पे मतलब मौसम ठीक हो रहा है क्योंकि पूरा खुला खुला खेत वगैरह, थोड़ी वाइट घंटे खुल रही है, बट आंखें नहीं खुल रही मेरी यार। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आंखें खुलने की, ट्राई करता हूँ। चलो चलते हैं फिर आगे, फटाफट उनको पिक करते छोड़ते हैं एयरपोर्ट आगे के। फिर आज के पूरे दिन का प्लान देखते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला, बट फिर भी जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं। भाई भैया भाई आ गए होटल में, मेरे को लग रही है भूख, पहले तो करेंगे ब्रेकफास्ट, अभी चलते हैं ऊपर। हालत देख रहे हो कैसी होगी, शक्ल देख रहे हो, शक्ल बिल्कुल देख रहे हो कैसी उड़ चुकी है, बट कोई नहीं, अभी चलते हैं ऊपर रूम में। बाहर से देख के लग नहीं रहा था ना इतना अच्छा हो भाई, है ना। ये आ गया अपना अपना कमरा, मुझे लग रही है भूख बस। तो यार ये रे भाई, तुम्हारे भाई ने पहना है ये, काश इसे बाथटब होता, टब नहीं है बस। यार बस दिल दुखा दिया इसी चीज ने, मेरा दिल दुखा है। अगर से बाथटब होता ना तो मैं भाई नहा भी लेता, वरना मेरा थोड़ा मन सा कच्चा कच्चा सो रहा है। क्या खड़ा करके नहा सकता हूँ, खड़ा होके नहा सकता है, सारा कुछ बोलता है। ठीक है भाई, ठीक है। और ये तो मैं घर ले जाऊंगा चोर के भाई, ये मुझे चोर ना बहुत पसंद है भाई। ये देखो रेजर, इससे मैं अपनी दाढ़ी बना सकता हूँ, ठीक है। ये कंघा भाई, मेरे घर ब्रश नहीं थी तो ब्रश मैं इसे चोर के ले जाऊंगा। ये भाई मेरा मुंह धोने की साबुन, मेरे मुंह के हिसाब से साबुन महंगी नहीं है, चलो कोई नहीं यार। और ये मेरे सड़े सड़े तौलिए, पता नहीं किसके बच्चे होंगे इसमें। अरे बच्चे होंगे इसमें तौलिए में, किसी किसी के बच्चे तो है बट वो ठीक है। बेकार ही है, मैं जितनी तारीफ कर रही, मैंने बाहर को जितनी मैंने बालकनी देख के तारीफ कर दी थी ना, तो उतने तारीफ लायक तो बिल्कुल नहीं है। सीरियस मत हो ना, ठीक है ठीक है। बट ये बहन जो इतने बड़े कमरे में, बस ये जरा सा पलंग करेगा हार्ट भर जितना, मेरे जैसे तीन पहले लोग। ये तो बता दे है क्या, ये कुछ नहीं है भाई। और मैं ये सूट है, मैं ये भी चोर चोर के ले जाऊंगा भाई। अरे से इधर से बनता है भाई, इस तिजोरी में रखा मोटा रुपया भाई, मोटा रुपया। अगर ये पैसा ना निकला ना, आज तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं भाई। ये लग रहा सन 45 का एसी, ये खोलकर बाहर का देखते हैं व्यू। खुल जाओ भाई, देखो सामने तुम्हें क्या दिख रहा, सस्ता एयरपोर्ट। ये अपने दिल्ली का ना
सस्ता और एयरपोर्ट ऐसे कोई नहीं पूछता, ये बस इसलिए अगर तुम्हें गाँव शहर घूमना हो ना, अगर तुम्हें देश विदेश जाना है तो उसके पीछे वाली सड़क है, ये है सस्ता एयरपोर्ट भाई, IGI घंटा IGI पागल बनाते साले T1 वालो गरीबो एयरोस्टेस भी नहीं आता यार एयरोस्टेस भी नहीं है यार, पैसा बर्बाद, क्या फायदा यहाँ लेने का जब एयरोस्टेस ही नहीं है तो कोई नहीं, चलो ब्लडी फूल के लिए फूल भाई गौर समस्या है क्योंकि इसमें खाना जो लिखा है ना एक भी मेरे मतलब को तो ना आए भाई, मसाला डोसा दे रहे 355 रुपया प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा एस एप्लीकेबल, मेरे खाने कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेज है सारा जिंदा वेज, पर कोई नहीं फिर भी भूख तो लगी रही है पेट में, पता नहीं सुबह से कैसे चूहे से दौड़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं अपन मंगाते हैं जो दिल करे वो मंगा ले, मंगाया यार वेज है सारा वेज है, तुम्हें पता वेज मुझे पसंद नहीं, सुबह सुबह क्या नॉन वेज खाएगा, घर पे मटन रखा है मेरे कटोरी में, बट यार क्या करे अभी यहाँ पे, मेरी गर्दन कितनी काली हो रही है, किसने स्मूच मारी मेरे, अच्छा ये डालेगा नहीं मुझे पता है दिखा रहा है, सॉरी यार वो जाने अनजाने में हो गया था, मैं गलत नहीं हूँ, पर तो ये है हमारे प्यारे लाल जी और नितिन निर्माण चाय बनाते हैं नकली चाय भाई, एक्चुअली देखो यहाँ मिले जब ये मिला साले इसका फायदा तो उठा ले, नकली चाय थोड़ी सी बनाएंगे, आप ये दिखाओ इसमें दूध डाला स्वाद अनुसार, ये दूध तो मेरे को कच्चा खाने में बढ़िया लगता है, हाँ ये एवरेडी का दूध तो हमेशा कच्चा खाने, चलो भाई अब इसको उबालते हैं, अब थोड़ी देर में चाय बन जाएगी तो मैं बताऊँगा चाय कैसी बनी है, चाय वाला ये है पैरेलल चाय वाला, ओ भाई शुगर फ्री, शुगर इतना फैट बढ़ा लिया, शुगर फ्री का क्या फायदा, कॉफी भी है यार, कॉफी पियोगे, कॉफी बना लो, कॉफी बना दे, यो तो पैरेलल फैमिली आज बनेगी कॉफी, भाई ये जिंदी कॉफी बनाएंगे, जिंदी कॉफी बनाएंगे, चलो लौंडो मिलता है पहले चाय बना दूंगा, तो भाई ये बना रहे जिंदा कॉफी ये देखो कॉफी कॉफी डल रही है इसमें, चाय वाला चाय गरम चाय, चाय बना रहा लौंडा चाय, चाय देखो भाई दोनों ये छोटा है वैसे, खुशबू का तो भाई बस हो गया उठा क्या कर रहा है भाई, मेरे को चाय बनाता बहस मत कर मतलब एक नंबर का प्री वर्कआउट, वही पुराना टाइम याद आ गया, ब्लैक कॉफी अमेजिंग ठीक है, तो भाई अभी मंगाया हमने ये ब्रेकफास्ट, और तुम ब्रेकफास्ट की शक्ल देखो है ना, अच्छा लग रहा है देखने में, अभी हम खाएंगे इसे, अभी यार इसमें कम है कुछ चीज़ें, आएंगी आएंगी अभी चाय, इसमें इसमें क्या है, इसमें पनीर बटर मसाला और राजी लगाए सारा, तो भाई ये रहा ब्रेकफास्ट, अब इसको खाते हैं उसका टेस्ट बताते हैं, और बाहुबली के साथ अभी तुम्हें देता हूँ मैं खाने का रिव्यू, जिस हिसाब से पैसे देना तू अब पता है खाने का, तो मैं जगह बताता हूँ, तो जिस हिसाब से पैसे देना भाई उस हिसाब से ट्राई करके देखते हैं कैसा है कि नहीं, मैंने मंगाया पनीर बटर मसाला और आलू पराठा, अच्छा जेन्युइन रिव्यू दूंगा, ओके ओके नॉट सो गुड बट बुरा भी नहीं है, ठीक है, एक प्लेट चावल जीरा राइस, जीरा राइस दिखाना, ये उठाओ ना मेन्यू यार, तुम मेरे को बता तो दो यार पब्लिक को, अगर कोई भाई दिल्ली आएगा तो कहाँ पे रुकना चाहिए उनको पता होना चाहिए ना, देखो भाई ये है एक प्लेट जीरा राइस, यहाँ पढ़ो 275, आई होप तुम समझदार हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस खाना खा लिया भर गया पेट, अब मैं सोता हूँ 2 घंटे आराम से, फिर उठ के फिर खाऊंगा, थारा भाई जोगिंदर नहाने आ गया, अब नहाएगा थारा भाई जोगिंदर, नहाने के बाद थोड़े से रेडी होके फिर चलते हैं नबिया को छोड़ के घर,
तो ये आ चुके हैं हमारे हीरो प्रेजेंट। ये देखो ये हैं हमारे जनाब प्यारे लाल जो अभी कुछ बना रहे हैं। देखो दिख रहा है गाइस, क्या बोलते हैं इसे गाइस बताओ, लाइनें देख रहे हो कितनी लाइन हो गई, क्या लाइनें देखो क्या बना रहे हैं। ये देखो नशेड़ी को देखो, नशे का ये है दूध कहीं तू सोच लो सालो, नशे कर रहा हूं मैं। देखा देखो गाइस ये बंदा ये देख रहा हूं, देखो अब देखो दूध को देखो कैसे पी रहा है, मतलब पूरी लाइन वाइन लगा के दूध पी रहा है भाई साहब। होटल का मंदिर से फसल ज्यादा देखना, अलग ही रास्ता लेवल का बिल्कुल। अपन चल रहे अपने घर फटाफट, जांच की पूछे मत जाना, ठीक है आराम से जाना, जाके वहां पर जाके मिस कॉल कर देना, बाकी तुम्हारी सिम मेरे पास ही है, मैं चाहूँ तुम्हारा सारा व्यापार भाई पोपो वालों फरार तुम्हारा एजेंसी ओनर। चलो बाय बाय। तो कर दिया ड्रॉप उनकी फ्लाइट में, थोड़ा टाइम एक्चुअली बोर्डिंग क्लास में कुछ इशू हो रहा था तो इसलिए मेरे को काम थे और, तो मैंने इसलिए उनको करा बाय बाय, और बाय बाय करके अपन आ गए घर की तरफ। घर जाते हैं पहले तो कुछ खाते हैं, दोबारा भूख लगी क्योंकि सुबह खाया था तो दोपहर में कुछ खाया नहीं मैंने, तो इसलिए पहले घर चलते कुछ खाते फटाफट, भूख लग रही है, उसके बाद फिर बाकी ये काम है पेंडिंग वो सब क्लियर करते हैं, क्योंकि सरप्राइज है तुम लोग के लिए, याद रखना मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, बट सरप्राइज है सब लोग के लिए। जल्दी 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 मेरी वीडियो आएगी तो इसलिए वेट करना, वेट वेट वेट, पूरा पूरा पूरी सीरीज बनाऊंगा मस्त वाली, एक नंबर की धमाकेदार, एक नंबर पार्ट, सारे शॉट्स लेने की कोशिश करूंगा, जितने अच्छे अच्छे शॉट्स दूंगा ना वहाँ पे सब इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा, जिसने फॉलो नहीं करना मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो फटाफट यार, मैं सारे मस्त मस्त शॉट्स अपलोड करने वाला हूँ वहाँ पे, और शॉट्स डालूंगा और लाइक मतलब जो पिक्चर्स मतलब मैं कुछ अभी भी क्लिक करी और तब भी क्लिक करूंगा तो वो सब भी अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ तुम भूलना मत यार मेरे को ना, ठीक है फॉलो करना, फॉलो कर लो फटाफट, तुम्हें अपडेट ही मिल जाएगा कहाँ जा रहा हूँ मैं। इंडिया है यार देख रहे हो त्योहारों का मतलब, त्योहार एक बार आने शुरू होते हैं ना फिर खत्म ही नहीं होते, देखो यार लोग क्या मजे में, क्या मस्त मजे बना रहे हैं यार, देखो ये बार आज है क्या है चौथा विशाल विश्वकर्मा पूजा महोत्सव, ओके ऐसा जाम लगा पड़ा है, ये तो है ही, बाकी पीछे बढ़िया लोग एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने जाम भी लगा दिया, पर ध्रुव कर रहे हैं ध्रुव का वेट, ध्रुव आ जाए तो उससे फिर मेरे को लेनी है नोटबुक और पेंसिल्स वगैरह बच्चों के लिए, तो पहले भी वहाँ चलते हैं। अभी मैं गया था विनाश भाई के पास, एक्चुअली ट्रैवलिंग बैग लेने, मेरा बैग नहीं है ना यार तो मैं कहीं जाता नहीं था तो इसलिए बड़ा बैग की ज़रूरत, तो बैग लेने गया था और कुछ टिप्स भी ले उनसे जो उन्होंने टिप बताई ज़रूरी है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ये नहीं पता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, बस फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो इसलिए टिप वगैरह ज़रूरत थी। तो अभी जाते हैं पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ से जल्दी से फ्री होकर फिर करते हैं अपना कार का थोड़ा सा काम करके उसके बाद अपने कपड़े वपड़े पैक करेंगे जल्दी 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 फटाफट, और उसके बाद निकल देंगे। मैम और बच्चों का डेडिकेशन देखो, मतलब फ्लैश लाइट चला के इनको पढ़ाई करवा रहे हैं। ये आरएचए के वॉलंटियर देख लो इनकी शक्ल, ये देख रहे हो ये लड़की, ये आरएचए के वॉलंटियर है सारे, ये जो पी रहे हैं ना चाय वाय सब, हाँ देख लो इन्हें गौर से, ये आरएचए के नाम पे क्या कर रहे हैं, यहाँ वर्क कर रहे हैं चाय ड्राइव स्कॉन टेम्पल वहीं पर, जिस अपनी कार खड़ी है सोन करी, और ये अपने सारे आरएचए के वॉलंटियर्स देख लो, आरएचए के वॉलंटियर ये सारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। अरे मेहनती लड़का कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग और मजे आ गए, मतलब ड्राइव में तो अब घर चल रहे होगी ग्रीन लाइट, पहले चाचा खड़े, चाचा की ना गाड़ी का एसी खराब हो गया, चाचा से मिलते हैं आज ना, उसके बाद चलेंगे अपने घर। यहाँ चाचा की गाड़ी हो चुकी है खराब, उसका एसी, क्योंकि भाई गया था कहीं, बड़ा भाई है ना तौकड़ का, तो वो गया था कहीं मसूरी घूमने और वहाँ पे भाई कॉइल फूक गई, तो कोई नहीं सही करवा रहे हैं अपनी, तुम्हें पता है एक ही दुकान है डाबड़ी पे स्टार एसी भाई, तुम सर्च भी कर सकते हो, मैं एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, यहाँ से काम कराओ, रेट रीजनेबल काम मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट यार, मेरी गाड़ी में ना 18,000 रुपये का खर्चा बोला था एसी का, तुम बिलीव करोगे मात्र 200 रुपये में, एसी की कूलिंग इतनी अल्टीमेट है ना, नहीं भी क्या देती होगी, तो इसलिए यार तुम कर सकते हो ट्राई, बाकी इट्स अप टू यू। अपने चाचा
चाचा ने कर दी गाड़ी की लेनी देनी पर कोई नहीं भाई, अब गर्मी में चाचा थोड़े से परेशान, तो मैं आ गया क्योंकि वहाँ द्वारका था, पर अब यहाँ पे आ गया चाचा, मतलब बहुत दिन बाद मिल रहा है चाचा मुझे, मोटे बैठ गया चाचा आपका पहले ठीक है। डोनेशन के बाद ये बच चुके हैं बिस्किट्स, अभी इतने और बचे हैं, कार में सब निकाल है क्योंकि मेरे को कल जाना है तो मैं बताइए, तो इसलिए भाई ये सब कुछ खाली करना पड़ेगा सामान, तो अभी करते हैं कल के सामान की फटाफट रेडी। और ये सीपीयू, सीपीयू बिस्कुट खाओगी क्या, 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 नहीं खाती, देखो हमारे तो कुत्ते बिस्कुट नहीं खाते, देखो देख लो वो भाई साहब कर दिया शुरू, ये आ गया अपना लौंडा। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्यों आया, क्यों हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं, अभी सब सीक्रेट है, अभी तुम खाने के मजे लो बस। इस नोट पे करते हैं इस व्लॉग को एंड। भाई तो मतलब शायद एक दो दिन मेरे व्लॉग ना आए क्योंकि कुछ बहुत तगड़ा ही प्लान कर रहा हूँ, तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट वो चीज़ जल्दी आपको भी दिख जाएगी, तो इसलिए वेट करना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना, वीडियो पर मत भूलना, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को,